तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि डे बाय डे जो है नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनते जा रहे हैं, यानी कि फ्रेंड से अब जो है अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके कारण जो है कंस्ट्रक्शन काम ज़्यादा चल रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन काम चल रहे हैं तो आपको पता है कि इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो, आपको वॉल पुट्टी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो फ्रेंड्स, वॉल पुट्टी के बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाला हूँ, यानी कि कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है आप वॉल पुट्टी का कैसे स्टार्ट कर सकते हो ना, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ कुंदन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं YMW Solution के YouTube चैनल। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि जितने भी जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, चाहे वो आपका बंगलो हो या मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हो, ब्रिज हो, डैम्स हो या जनरल पब्लिक बिल्डिंग्स हो या कोई घर बना रहे हैं, इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, चाहे वो PWD हो या CPPW हो या रेलवे हो, डिफेंस हो, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो या जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है या स्टेट गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, वेरियस कॉन्ट्रैक्टर हो गए, आर्किटेक्चर हो गए, इंजीनियर, सारे लोग जितने भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, तो वहां पे जो है वॉल पुट्टी की रिक्वायरमेंट होती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आपको पोटेंशियल पता चलता है कितना वॉल पुट्टी का यहाँ पे पोटेंशियल है। और अगर हम लोग इसके मार्केट साइज की बात करें तो आपको बता दूं कि अभी के समय में 1.7 बिलियन $ का मार्केट है और ये हर एक साल जो है 6.47 CAGR से ग्रोथ कर रहा है, यानी 2028-30 तक जो है ये आंकड़ा जो है आपका अराउंड जो है $2.8 बिलियन को टच कर जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग एक अच्छा मौका है, आप जो है इस बिजनेस को स्टार्ट करके जो है आप अपना भी विकास कर सकते हैं और आप आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स के बारे में। रिक्वायरमेंट्स में हम लोग कवर करने वाले हैं क्या एरिया आपको लगने वाला है। तो एरिया की बात करें तो अगर आप वॉल पुट्टी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो आपके पास में 8,000 से लेकर 10,000 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए, जिसमें आपका प्रोडक्शन एरिया, आपका रॉ मटेरियल स्टोरेज एरिया हो गया, फिनिश गुड एरिया हो गया, इसके अलावा एडमिन एरिया जो है, ये सारे जो है एरिया आपका कवर रहेगा। इसके साथ साथ जो आपका दूसरा रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स, आप जो है पूरी तरह से फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए। फाइनेंशियली साउंड नहीं रहेंगे तो फ्रेंड्स आप अपने बिजनेस को रन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो तीसरा रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स, आपको जो है इसके मार्केट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, यानी कि फ्रेंड्स आपका वॉल पुट्टी जो है कहाँ कहाँ सेल होगा, अगर सेल नहीं हो रहा तो कैसे आप सही कस्टमर को अप्रोच करेंगे ताकि आपका ये प्रोडक्ट सेल हो सके, उस मार्केट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि जितने भी रेलवेज हो गए, चाहे PWD हो गए, CPWD हो गए, ये सारे जगह पे जो है आपके टेंडर्स निकलते रहते हैं डे बाय डे सिविल के, कंस्ट्रक्शन के, तो वहाँ पे वॉल पुट्टी की रिक्वायरमेंट रहती रहती है। तो अगर आप अपने डायरेक्ट प्रोडक्शन हाउस से ये सारे जगह पे आप वॉल पुट्टी सप्लाई करके भी जो है आप जो है यहाँ पे अपना मुनाफा कमा सकते हैं। आप कॉन्ट्रैक्टर को पकड़े, जितने भी सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हैं या जितने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, उसको भी जो है आप अच्छे खासे कमीशन देकर जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करवा सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट समझ में आ गया, तो ये तीन रिक्वायरमेंट अगर आप फुलफिल कर दो ना, तो आप यहाँ पे इस इंडस्ट्री के लिए आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रॉ मटेरियल के बारे में। देखिए, कोई भी अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो वॉल पुट्टी की स्टार्ट कर रहे हैं, तो वॉल पुट्टी में कौन कौन से रॉ मटेरियल लगेंगे ये आपको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो रॉ मटेरियल है यहाँ पे, आपको यहाँ पे व्हाइट सीमेंट लगने वाला है, इसके बाद जो है आपको डोलामाइट लगेगा, इस देन इसके बाद जो है आपको सीमेंट पॉलीमर लगने वाला है, पैकेजिंग मटेरियल लगेगा यहाँ पे, पैकेजिंग मटेरियल में जो है आप बोरा ले सकते हो। तो यहाँ पे जो है आपका 5 kg का हो गया, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 40 kg तक, जो अलग अलग साइज के जो है आपको पैकेजिंग मटेरियल लेने पड़ेंगे। इसके साथ साथ जो है आपको यहाँ पे आपको वाटर रिप्लेंट लगेंगे और सिलिकन एग्रीगेटर भी लगेंगे। तो ये सारे को लेकर जो है आप यहाँ पे क्या बना सकते हो, वाइट पुट्टी आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रॉ मटेरियल आपको पूरा क्लियर है, तो अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे और बात करेंगे लाइसेंस के बारे में। देखिए, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है तो उसको सही तरह से आपको रन करने के लिए लीगल क्लियरेंस होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लीगल डॉक्यूमेंट्स अपने पास में नहीं रखते हैं उस पर्टिकुलर व्यवसाय के रिगार्डिंग, तो फ्रेंड्स आपका जो है ऑपरेशन बीच में ही रुक जाएगा, पेनल्टी लग सकती है डिपार्टमेंट की तरफ से। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो कि आपको ह्यूज पेनल्टी लगा सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लाइसेंस लगने वाला, आपको GST लेना पड़ेगा, और ये आप लघु उद्योग के अंदर स्टार्ट कर रहे हो तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो है आपको यहाँ पे एक, अगर आपका जो मेन पावर है वो अगर क्रॉस करता है 20 को, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपको फैक्ट्री एक्ट के अंदर जो है आपको लाइसेंस भी लेना पड़ता है। तो अगर फैक्ट्री एक्ट के अंदर लाइसेंस नहीं लेते हैं तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर भी आप ले सकते हो। ट्रेड लाइसेंस म्युनिसिपल से जरूर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है बट वो आपके लोकल अथॉरिटी में आती होगी, तो आपको ट्रेड लाइसेंस एक जो है आपको अपने म्युनिसिपल से लेना पड़ता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको NOC लेना पड़ेगा फायर डिपार्टमेंट से और पॉल्यूशन से। तो पॉल्यूशन और फायर ये दोनों मैंडेटरी चीज है, इसको जरूर लीजिएगा। यहां तक क्लियर हो गया कि आपको कौन कौन से लाइसेंस लगने वाले हैं। लाइसेंस समझ में आ गया, तो अब हम लोग यहां बात करेंगे
कि आपको मेनली यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, कंपनी बनाना। तो पहले आपको एक कंपनी बनानी पड़ेगी। कंपनी आप प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हो, LLP बना सकते हो, प्रोप्राइटरशिप, या आप पार्टनरशिप में स्टार्ट करो तो आप जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड पार्टनरशिप भी कंपनी आप यहाँ पे लगा सकते हो। इसके साथ साथ बता दूं कि अगर आपको यहाँ पे अपने ब्रांड नेम से आपको वॉल पुट्टी बेचना है तो आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी आपको लेना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, लाइसेंस हो गई, ये कंपनी कहाँ से बनेगा, क्वेश्चन अगर आ रहा हो तो YMW फाइनेंशियल सर्विस को जरूर नॉक कीजिएगा। अफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये सारे सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए यहाँ पे अगर आपको पूरी तरह से क्लियर, तो अब एक मेजर जो है यहाँ पे आपको एक कनेक्शन लेना पड़ता है। कनेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का। तो इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम होगा ये हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग एक स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करें ना, तो आपको 30 किलो वाट का जो है ना इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब 30 किलो वाट की आप यहाँ पे ले रहे हो तो सेपरेट आपको ट्रांसफार्मर सेटअप होगा, 25 kVA का हो सकता है। तो डिपेंड करता है, डिपार्टमेंट से आपको बात करना पड़ेगा कितना आपको kVA का लगाता है। तो वो कनेक्शन आपका सेपरेट होगा क्योंकि वो कमर्शलाइज होता है, कमर्शियल आपका कनेक्शन लगने वाला है। और वहाँ पे जो है आपको अलग सिक्योरिटी मनी आपको डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा, तो वहाँ पे भी जो है आपको अच्छे खासे पैसे खर्च हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको अप्रॉक्सीमेट जो है 4-5 के बीच में जो है आपको रखना पड़ेगा पैसा, तभी जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी और सारे लाइसेंस का काम आपका बन पाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि कौन कौन से मशीन लगने वाले। आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करो वॉल पुट्टी का, तो मशीन के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला मशीन आपको रिबन मिक्सर लगने वाला है। इसके बाद जो दूसरा मशीन है आपको यहाँ पे बकेट एलिवेटर लगेगा, एंड जो तीसरा मशीन है वाइब्रेटर सीव लगेगा, जिसको चलनी बोलते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं ना, वो वाइब्रेटर सीव वहाँ पे लगते हैं। इसके बाद जो है आपको पैकेजिंग मशीन लगेगा। देखते होंगे जब आपका फाइनल प्रोडक्ट आता है उसको पैकिंग करने के लिए पैकेजिंग मशीन की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके बाद जो है आपको हॉपर लगने वाला है, स्क्रू कन्वेयर लगेगा। इसके अलावा जो है आपको स्टोरेज साइलोस लगेगा। देखिए स्टोरेज साइलोस क्या होता है ना, जो भी आपका मिक्सर है ना वो आपका स्टोरेज साइलोस में जाता है, उसके बाद जो है वो पैकेजिंग के लिए आपका तैयार होता है मटेरियल। तो ये सारे चीज जो है आपको रिक्वायरमेंट रहेंगे। और फाइनली जब आपका पैकेजिंग मशीन हो रहा है ना, तो पैकेजिंग मशीन के बाद जो है उसको सील करना पड़ता है। आपने देखा होगा जो PPB बैग्स होते हैं ना, उसको पूरा सील करने के लिए एक सीलिंग मशीन लगती है ना, एक सिलाई मशीन लगती है, तो वो भी जो है आपको लेना पड़ेगा। तो ये सारे मशीन जो है आपको लेने पड़ेंगे। और पूछेंगे सर ये सारे मशीन लेने में कितना पड़ जाएंगे? ये सारे मशीन को अगर आप सेटअप करते हो ना, तो आपको 20-25 lakh में जो है आपका ये सारा मशीन आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको सारे क्लियर है मशीन के बारे में, तो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे और बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट को बढ़ने से पहले हम लोग यहां मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझ लेते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए यहां पे सबसे पहले जो रॉ मटेरियल मैंने बताया, व्हाइट सीमेंट बताया, डोलामाइट बताया, इसके अलावा जो है आपको मैंने सीमेंट पॉलीमर बताया। तो ये जो मेजर जो रॉ मटेरियल है, ये सारों को जो है हॉपर में लेते हैं। हॉपर में लेने के बाद जो है कन्वेयर बेल्ट के थ्रू जो है वो मिक्सर मशीन में जाता है। मिक्सर मशीन की अलग अलग कैपेसिटी होती है, 2000 कैपेसिटी हो या 1000 कैपेसिटी हो, जो भी कैपेसिटी की आप मशीन ले रहे हो उसमें जो है आपको प्रॉपर वे में जो है उसको मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद जो है वो ग्राइंडिंग यूनिट में जाता है, वो बोल ग्राइंडिंग भी हो सकती है, जो इस तरह का ग्राइंडिंग यूनिट आप लेते हो ग्राइंडिंग यूनिट में जाती है, वहां पे पूरे अच्छे तरीके से पल्वराइजेशन होता है। पल्वराइजेशन होने के बाद जो है वो साइलोस में जाता है, साइलोस में जाने के बाद जो है फाइनली जो है पैक होने के लिए स्टार्ट हो जाता है। यानी कि फ्रेंड्स वहां पे उसको एक प्रॉपर वेट करके जो है उसको सील किया जाता है, ठीक है। तो फाइनली लास्ट में एक वेट मशीन भी आपको लगता है, तो वेजिंग मशीन भी जो है यहाँ पे एक आपको लेना पड़ता है। तो ये जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। और मैं आपको बता दूं कि इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को करने के लिए जो मेन पावर है आपके पास में 8-10 होने चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है? तो अब हम लोग इन्वेस्टमेंट के और चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें, तो मैं यही कंसिडर कर रहा हूँ कि आपकी खुद की ज़मीन है और वहाँ पे आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हो। क्योंकि देखिए अगर आपकी खुद की ज़मीन नहीं है, आप उसको रेंट पे लोगे या आप उसको लीज पे लोगे या आप उसको परचेस करोगे, तो कहीं ना कहीं एक आपका मेजर जो अमाउंट है ना, यानी कि इन्वेस्टमेंट, उसमें चला जाता है। तो उसके लिए आप खुद से यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिएगा। हर एक लोकेशन में अलग अलग लैंड का रेट है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। मैं कंसिडर ही कर रहा हूँ कि आपकी खुद की ज़मीन है, उस पर आप सेटअप कर रहे हो, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पड़ेंगे, सेट्स बनाने पड़ेंगे, वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल करनी पड़ेगी, इसके अलावा जो है मशीन के फाउंडेशन होगी, और इसके अलावा जो है आपका एडमिन एरिया बनेगा। तो ये सारे में जो है आपका लमसम 10 lakh का अप्रॉक्सिमेट खर्चा हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं मशीन की। मशीन मैंने बता दिया कि मशीन जो है आपका टोटल जो है 20-25 lakh में आपका पूरा कंप्लीट आ जाता है। तो वो मशीन आपका पूरा आ गया 20-25 lakh में। देन इसके बाद जो है रॉ मटेरियल जो मैंने बताया, वो रॉ मटेरियल जो है आपके पास में कम से कम एक महीने का रॉ मटेरियल आपके पास में होना चाहिए। तो एक महीने का रॉ मटेरियल जब लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके पास में 5 lakh का होना चाहिए अमाउंट, तब भी आप जो है रॉ मटेरियल एक महीने का पूरा परचेस कर पाओगे।
तो जो आपका रॉ मटेरियल पीछे 5 लाख रुपया हो गया, जो जो मैंने लाइसेंस बताया वो सारे को मिलाकर 5 लाख मैं अलग से कंसिडर कर लेता हूँ, वर्किंग कैपिटल आपके पास में 5 लाख रुपया होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप टोटल इन्वेस्टमेंट को अगर आप देखोगे ना, तो अप्रॉक्सीमेट जो है यहाँ पे आपका 45 से 50 लाख के बीच में आने वाला है। देखो इस कॉस्ट को जो है ना आप पे डिपेंड करता है आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो, आप जो है अपने लेवल पे कितना आप कम में सारे काम को करवा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा सर इतना अमाउंट कहाँ से लेकर आए। देखिए अगर आपके पास में मात्र 5 लाख रुपया भी होगा ना, तो आप इस बिजनेस को सही तरीके से स्टार्ट कर पाओगे। कैसे कर पाओगे, इसके लिए जो है आप PMEGP स्कीम के अंदर जा सकते हो। इसके अलावा जो है बहुत सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट के, उद्यमी योजना है, आप उसके अंतर्गत जो है आप लोन ले सकते हो। REGP अगर आप रूरल में स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे जो है आप REGP स्कीम के अंतर्गत जो है आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए जो है अप टू 50 लाख का आप लोन वहाँ पे सैंक्शन करवा सकते हो, और जिसमें आपको अप टू 35% का सब्सिडी भी मिलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि आपको अनुदान जो है जो भी आपकी राशि रहेगी उस पर 35% का मिलने वाला है, यानी कि 10 लाख एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 10 लाख की अगर आप लेते हो ना तो उस पर जो है आपका कितना हो जाएगा, आपका 6.5 लाख जो है आपको वहाँ पे भरना है, बाकी आपका 3.5 लाख जो है वहाँ पे आपका एग्जम्प्ट हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा सर कैसे हम लोग को पता चलेगा क्या प्रोसेस है PMEGP योजना का। तो दोस्तों YMW फाइनेंशियल विजिट की जो वहाँ पे वीडियो बना हुआ है कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सारी चीज़ डिस्क्राइब करके बताया हुआ है, तो वीडियो को जाके जरूर चेक कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्लियर हुआ है इन्वेस्टमेंट कितना आपको लगने वाला है। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन जो है ना ये डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी ऑफ प्लांट पे, आपकी कैपेसिटी ऑफ प्लांट कितनी। क्यों? क्योंकि देखिए जितनी बड़ी प्लांट होगी उतना मास प्रोडक्शन आपका होने वाला है। मास प्रोडक्शन होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे जो है आपका प्रोडक्शन कॉस्ट घटेगा, जितना कम प्रोडक्शन होगा उतना आपका प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ा सा जो है आपको बढ़ने वाला है, उतना ज़्यादा जो है प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल जो मैं भी प्लांट को लेकर चल रहा हूँ ना स्मॉल स्केल पे, तो अगर आप इस लेवल पे अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो इसमें जो प्रॉफिट है आपका 10 से 12% का आपका नेट होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आपका 10 से 12% का प्रॉफिट है तो आप यहाँ पे खुद से जो है डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो याद रखें कि फैक्ट्री में माल बन रहा है, माल निकलनी चाहिए, अगर प्रॉफिट मार्जिन आपको 7% बचा है तो भी जो है आप वहाँ पे अच्छा खासा आप अर्न कर पाओ, क्योंकि डिमांड आपका ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो सप्लाई आप कर रहे हो तो इसलिए जो है वहाँ पे आपका प्रॉफिट जो है आपको बढ़ने वाली है, क्योंकि नंबर ऑफ जो है आपके सेल्स बढ़ रहे हैं, है ना। तो पोटेंशियल मैंने बता दिया, कैसे अप्रोच करना वो भी मैंने बता दिया, कहाँ कहाँ आपको माल बिक सकता है वो भी मैंने बता दिया, आप किसके थ्रू जाना चाहते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहते हैं, होलसेल बनाना चाहते हो, डायरेक्ट रिटेलर को अप्रोच करना चाहते हो, आप पे डिपेंड करता है। बट याद रखो कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हो और डायरेक्ट रिटेलर को अप्रोच करोगे तो कहीं ना कहीं ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप एक अच्छे, अगर एक डिस्ट्रिक्ट में काम करो तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है अपने अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर बना लो, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर आपका माल लेगा वही सारे रिटेलर को प्रोवाइड करने वाला है, तो वो काफ़ी आपके लिए कन्वीनियंट होगा। यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है? तो अब यहाँ पे मार्केटिंग की बात कर लेते हैं। मार्केटिंग के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो आज का जो वर्ल्ड है ना पूरा जो है डिजिटल वर्ल्ड है, आप कहीं पे भी चले जाओ यार पूरी दुनिया जो है डिजिटल हो चुकी है, तो जहाँ नहीं हुए वो भी होने वाली है, क्योंकि जितने भी रूरल एरियाज हैं वो अब अर्बन में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब साफ यही है कि डिजिटल वर्ल्ड होने वाला है, डिजिटल वर्ल्ड हो ही रहा है। तो इस दौर में जो है आपका डिजिटल प्रेजेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट बनाइए खुद का, खुद का वेबसाइट बनाने के बाद जो है सोशल मीडिया पे जो है आप एक्टिव रहिए, फेसबुक इंस्टाग्राम ये सारे में जो है आपके प्रोफाइल होने चाहिए। लोकल सर्च इंजन पे आप जाइए, गूगल सर्च इंजन पे आप अपने आप को लिस्ट कीजिए, वहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कीजिए अपने आप को। ट्रेड इंडिया हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, ये जितने भी वेबसाइट में बता रहा हूँ सारी जगह पे आपको खुद एज ए मैन्युफैक्चरर जो है लिस्ट कीजिए, वहाँ पे भी आपको अच्छे खासे ऑर्डर मिल जाते हैं, वहाँ पे भी जो है आपको अच्छे कस्टमर जो है नॉक करेंगे आपको। इसके अलावा जो है आपके लोकल लेवल में जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स लोग होते हैं, चाहे वो PWD का हो, रेलवे का हो, डिफेंस का हो, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, या वेरियस जो भी डिपार्टमेंट हो, सभी का जितने भी कॉन्ट्रैक्टर सबको जो है आप एक्वायर कीजिए। कैसे एक्वायर करना है इसके लिए जो है आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, पेड कंसल्टेंसी लेकर डेफिनेटली मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूंगा कैसे आप सारे कॉन्ट्रैक्टर का नंबर निकाल सकते हो आप किसी भी टेंडर के वेबसाइट से। तो डेफिनेटली इसके लिए जो है आपको पूरी तरह से हेल्प हमारी तरफ से किया जाएगा। तो देखो ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ तरीका, ये यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन किया हो तो पैसा इन्वेस्ट किया हो अपने बिजनेस में, तो प्रॉफिट कमाना है तो आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा। और याद रखें अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो आप उस बिजनेस को सही तरीके से रन नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो बिजनेस स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है,
बिजनेस को कितने दिन तक आप सस्टेन कर पा रहे हो, आप उसको प्रॉफिटेबिलिटी बना पा रहे हो कि नहीं उसमें, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसी के लिए जो है हम लोग यहाँ पे आप लोगों को पेड कंसल्टेंसी देते हैं कि कैसे आप सही अप्रोच कर सकते हो ताकि कस्टमर को जो है आपको पिक करने में दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर किसी भी तरह का वॉल पुटी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए, यानी कि जानकारी तो मैंने दे दिया है, इसके अलावा भी आपको अगर डिटेल कुछ और नॉलेज चाहिए या आपको कोई और चीज़ की जानकारी चाहिए तो फ्रेंड्स दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। बट याद रखें ये पेड है ना, हम लोग यहाँ पे पेड आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं ताकि आप सही तरीके के गाइडेंस के अंदर जो है अपने यूनिट को ओपन करके जो है आप अच्छा खासा इस बिजनेस को स्टार्ट करके जो है आप आत्मनिर्भर बन पाए। और इसके साथ जो है हम लोग आपको लोन से रिलेटेड भी जो है ना सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि आपका लोन भी जो है सेंक्शन अच्छे तरीके से हो जाए, चाहे उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगने वाला हो या लाइसेंस आपको जो लगेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स देर मत कीजिएगा, अगर आप भी वॉल पुट्टी का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर कॉल करके हम लोग से जुड़ सकते हो। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।